आखिर कानून कितने कठोर कर लिए जाएं कि गुनहगारों के मन में डर बैठे, क्योंकि हालात वही है जो निर्भया से पहले थे। निर्भया के बाद भी अगर तस्वीर नहीं बदली है तो हम सभी को शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की मासूम से दरिंदगी के मामले ने रूह को सन्न कर दिया है। वीडियो ऐसा है कि देखकर आपको खुद से भी घिन आ जाएगी और शर्म भी। एक मासूम बच्ची जिसका पहले रेप होता है, फिर उसे दरिंदे बीच सड़क पर छोड़कर भाग जाते हैं। किसी तरह लहूलुहान हालत में वो लोगों से मदद की गुहार लगाती है तो लोग पुतले की तरह सिर्फ देखते रहते हैं, मदद के लिए आगे नहीं आते, यानी कि तमाशबीन बने रहते हैं। समाज की ये बेरुखी एक दिन इंसानियत को बर्बाद कर देगी। उज्जैन के एसपी इस पूरी दर्दनाक घटना की जानकारी देते हुए बताते हैं कि लगभग 12 साल की एक लड़की सोमवार को उज्जैन के महाकाल पुलिस थाना क्षेत्र में एक सड़क पर खून से लथपथ पाई गई। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां मेडिकल जांच में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। एसपी ने कहा है कि चूंकि नाबालिग लड़की की हालत गंभीर थी, इसीलिए उसे आगे के उपचार के लिए मंगलवार को इंदौर भेजा गया। उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में महाकाल थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और घटना की जांच जारी है। मामले में एसआईटी का भी गठन हुआ है। अभी तक जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक 12 साल की मासूम से दरिंदगी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जिस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है उसकी उम्र 38 साल है। साथ ही 3 अन्य लोगों से भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक मासूम पीड़िता उज्जैन के जीवनखेड़ी इलाके में ऑटो में चढ़ी थी। सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि हो गई है। आरोपी ड्राइवर राकेश की ऑटो पर खून के धब्बे भी लगे मिले, इस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया। वहीं ऑटो की भी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। जिन अन्य 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से एक ऑटो चालक है। इसके अलावा पुलिस ने उस रास्ते में 8 किलोमीटर तक के सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिए हैं जहां पीड़िता मदद की गुहार लगाते हुए पैदल बदहवास चलती हुई चली जा रही थी। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह से खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वारदात को करीब सुबह 4 से 5 बजे के बीच अंजाम दिया गया है। उधर पीड़िता बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम ने बच्चे का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की वजह यह थी कि मासूम के अंदरूनी अंगों में गंभीर चोट आ गई थी। फिलहाल पीड़िता की हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। यह पहली घटना नहीं है जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। इस तरह की ढेरों घटनाएं हर दिन हो रही हैं। यह कैसे रुके इसको लेकर सरकार और समाज दोनों को सोचना होगा। कठोर कानून बनाकर हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। अगर इस तरह की घटनाओं के बाद भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं तो हमें अपने अंदर मर चुके इंसान पर मंथन करना होगा, क्योंकि ये खबर हमारा आपका हम सबका सिर शर्म से झुका देती है। बच्ची मदद की गुहार लगाती रही, कोई भी मदद को आगे नहीं आया और बाद में एक शख्स आता है जिसके बाद पुलिस तक ये बात पहुंचती है। आखिर एक समाज के तौर पर हम ऐसी सोच क्यों रखते हैं? मासूम बच्ची आपसे मदद मांगती रही लेकिन आप तमाशबीन क्यों बने रहे? उन तमाम लोगों को ये खबर, ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए और खुद से सवाल पूछना चाहिए। वाट लगाते का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल।